तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स इन द डेटा टूल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सिडेंट के बारे में। उसके लिए लेकिन मुझे उसके लिए दो डेटा चाहिए, दो अलग अलग चीजों का। जैसे मैंने यहाँ पे मंथ दे दिया और मैं यहाँ पे सेल्स दे दिया, और यहाँ पे हम मंथ में जैन देते हैं। दिसंबर तक दो या तीन भी कर सकता हूं मैं। हाँ, तीन कर दिया। और फिर इसको मैं कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। चलिए, अब मुझे एक रिपोर्ट चाहिए जिसमें इन तीन, जैसे कि जैन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इन तीनों का टोटल चाहिए। तो इसके लिए एक के नीचे हम पेज कॉपी पेस्ट करते हैं, हमें एक के नीचे कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। तो डेटा मेनू बार में कॉन्सोलिडेट आपके पास होता है, कॉन्सोलिडेट। अब क्या करना है, सम करना है, यस हमें सम करना है। और फिर हम वन बाय वन करके तीनों रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको ऐड कर, फिर वापस सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे और वापस इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको ऐड करेंगे। टॉप रो बॉटम यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके ओके कर, सेल्स का सम आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, छोटे डेटा पे ही काम करता है, बड़े डेटा पे काम नहीं करता। मैं दोबारा बताता हूं मैंने कैसे किया। मैं इसको डिलीट करता हूं। हम यहाँ कॉन्सिडेंट पे क्लिक किए, हमें सम करना है, हमने सम किया, वन बाय वन तीनों रेफरेंस को लेके यहाँ पे क्लिक कर सेट कर दिया। टॉप रो लेफ्ट कॉलम करके यहाँ पे हमने कर दिया। फिर यहाँ एक क्रिएट लिंक सोर्स करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे फिर आपका ये सम 178 है, किस किस से बन के आया है वो भी आपको। तो ये छोटे डेटा पे इफेक्टेबल होता है, बड़े डेटा पे इफेक्टेबल नहीं होता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इसका यूज हम लोग पिवट के थ्रू भी करते थे 2003 जब था, तो कैसे करते थे, इसके लिए आपको शॉर्टकट इस्तेमाल करना पड़ेगा, Alt DP, Alt DP, D से डेटा, P से पिवट। ये आपको 2003 जो था बहुत पहले, 10-11 साल पहले उसमें था, उसी का ऑप्शन यहाँ भी है। यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सोलिडेटेड रेंज को सिलेक्ट किया हमने, नेक्स्ट, क्रिएट द सिंगल पेज, नहीं आई विल क्रिएट द पेज ऑफ फील्ड हमने सिलेक्ट कर लिया। और फिर एक एक करके आप तीनों रेफरेंस को सिलेक्ट कर, ध्यान रखिएगा रेफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब डेटा का टाइप सेम होना चाहिए, सिलेक्ट कीजिए, ऐड कीजिए। हाउ मनी पेज फील्ड वांट टू फिल, पेज फील मतलब ऊपर से पेज में कितना फील्ड चाहिए, हमने जीरो कर दिया, मतलब अपने हिसाब से वो करें। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, पिवट क्रिएट करते हैं। ये देखिए आपका पिवट आ गया, ठीक है। इस तरह से भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसको इतना बड़े डेटा भी यूज करके देखिएगा, लेकिन इसका यूज कोई खास नहीं होता है, इसलिए ये इतना पॉपुलर नहीं। अगला बात आता है, हम बात करने जा रहे हैं सब टोटल के बारे में, छोटी सी चीजें हैं, अब सब टोटल के बारे में जान लेंगे। तो उसके लिए हमें एक डेटा चाहिए, रिपीटेड डेटा। सब टोटल फॉर्मूला तो मैंने आपको पढ़ाया ही था, लेकिन सब टोटल कमांड भी होता है, इसके बारे में भी आप एक अच्छी तरह से जान लीजिए। मैं नीचे तक इसको ड्रैग करके, बहुत ज्यादा हो गया। और फिर यहाँ पे हमने सेल्स दे दिया, हम डेटा देते हमने इसको कॉपी किया, होम पे है,
पेस्ट बैन। अब बात यह है कि इसमें जनवरी कई जगह है, हम चाहते हैं सारा जनवरी एक जगह इकट्ठा हो जाए और उनका टोटल हो जाए, जैसे पिवट में होता था। लेकिन मैं पिवट में नहीं करना चाहता, मैं डेटा में करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें डेटा को शॉर्ट करना, हम कस्टम शॉर्ट पे आएंगे और यहाँ भी हम मंथ पे जाएंगे और मंथ के बारे हिसाब से हम इसको शॉर्ट कर। अब मैं चाहता हूं कि हर एक, जैसे यहाँ अप्रैल आया, इसके बाद एक नया एड हो और फिर यहाँ पे टोटल और यहाँ पे हमारा वैल्यू, जिसके लिए हमने शॉर्टिंग ब्लॉक का आइडिया अपनाया था, लेकिन इसमें हम सिंपल करना चाहते। तो डेटा में हमारे पास होता है यहाँ पे सब टोटल, सब टोटल क्लिक करेंगे अपने आप डेटा सिलेक्ट कर लेगा। मुझे सम किसका करना है, सेल्स का करना है। क्या करना है, सम के अलावा और कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पे दिया होगा। और एट ई चेंज ही, मतलब कि किस फील्ड का अकॉर्डिंग हर बार चेंज होगा, तो हमारा मंथ है। दो चीज यहाँ पे देख लीजिए एंड ओके। यहाँ पे देखिए आपके पास, और जो कलेप्स और एक्सपेंड था ये यहाँ पे भी यूज हो सकता है एक साथ करने के लिए। यहाँ पे आपका देखिए इस तरह से प्लस माइनस भी कर सकते हैं, इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आपका टोटल का डेटा आ गया। अब मैं जब मान लीजिए जून का देखना है, क्लिक कीजिए तो जून का टोटल यहाँ आ गया। मुझे यहाँ पे मई का टोटल चाहिए तो मई का टोटल आ गया। तो इस तरह से इसको आप हम ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या ग्रुप सिर्फ हम सब टोटल में, ये सब टोटल समझ में आया आपको, पहले बताइए। दीपक जी, विजय जी, आ गया ना, ठीक है। अब बात, अब यहाँ पे क्वेश्चन और बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो टोटल आपको दिख रहा है, क्या इस टोटल को सब इस तरह की जो ग्रुपिंग है, क्या सब टोटल के साथ ही होना चाहिए या हम अलग भी कर सकते हैं? तो उसके भी तरीके हैं, कर सकते हैं। जैसे आपने सिलेक्ट कर सिलेक्ट किया और यहाँ आपको दिख रहा होगा, नहीं अनडिसेबल है, नहीं इसके सामने ग्रुप है, ग्रुप पे क्लिक, देखिए ग्रुप हो गया। कॉलम वाइज करना है तो कॉलम को भी सिलेक्ट करके ग्रुप कर सकते और सबको वापस हटाना है तो अनग्रुप और वापस ग्रुप, अनग्रुप इसका भी जाएगा। ये भी आपका अनग्रुप कर। अब इसमें कुछ नए चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात जानते हैं व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में। उसमें हमारा सिनेरियो मैनेजर है, सिनेरियो मैनेजर का भी हम यूज करते हैं। किसी भी रिपोर्ट्स की सिनेरियो निकालना हो तो आप सिनेरियो मैनेजर मैनेजर का यूज कर सकते हैं। इसका इस तरह सिनेरियो के रिपोर्ट फॉर्म में दे देता है, लेकिन इसका अलग चीज है। ये चीज आपको समझना होगा, तो पहले हम गोलसिक को समझते हैं, सोल्वर को समझते हैं, फिर इसको समझेंगे। गोलसिक को पहले समझते हैं, इसके यहाँ पे 20 हो गया, 30 हो गया एंड 40 हो गया। इन तीनों का टोटल आ रहा है 90, बट मुझे 100 चाहिए। तो किसी एक वैल्यू को चेंज करना है, कितना चेंज करो जो 100 हो जाए। तो सर उसके लिए सिंपल होता है कि हम 100 कर देंगे, यहाँ पे 30 कर देंगे, इसको चेंज हो जाएगा। ये तो छोटी अमाउंट, जहां करोड़ों अरबों की अमाउंट होती है वहां पे कैसे करें? तो वहां पे हम गोलसिक की बात करते हैं, गोलसिक, और हम इसको सिलेक्ट करते हैं।
वैल्यू कितना चाहिए 200, किस सेल में चेंज करना है, तो हमने बोला तो चेंज कर दो रिसेप्ट सेल। कर दिया सर, कितना छोटी सी चीज है। अब इसमें बड़ी चीज दिखाता हूं, चलिए यहां पे हमारे पास क्वांटिटी है, यहां पे हमारा एमआरपी है और यहां हमारा अमाउंट। तो हमने यहां पे कुछ क्वांटिटीज ले रखे हैं और फिर उसके अगेंस्ट में एमआरपी है, और उसके एवज में मैंने अमाउंट हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल खरीदा यहां पे टोटल ये रहा हमारे पास, हमने यहां पे इसको टोटल निकाल लिया। तो टोटल हमारा ये हुआ 223,721 रुपए। अब वाइफ के साथ अब शॉपिंग करने गए हैं, सामान का लिस्ट ये रहा। अब 223,721 रुपए, बट आपकी कैश तो लेके जाओगे नहीं, क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपकी 2,00,000 रुपए है, आपको 23,000 का कोई सामान हटवाना है। तो आपने बोला, आपने शॉप में बोला कि यार भाई एक काम करो कि इसमें से कुछ कुछ क्वांटिटी कम कर दो और 2,00,000 रुपए का ही हमारा शॉपिंग रखो, तो कैसे करें। लेकिन प्रॉब्लम है कि किसी एक को कम नहीं कर सकते, समझ गए। और लगे बहुत सारे आइटम्स कम कम करो कि एक को कम करने का, मान लीजिए ये देखो 2,300 है तो इसको जीरो कर देगा, तो जीरो करने से नहीं ना होगा। ऐसे बहुत सारे कंडीशन है, उसके लिए यूज होता है गोल सीक। अब गोल सीक आएगा कहां उसके लिए, क्योंकि आपके डेटा मेनू बार में तो है नहीं, उसके लिए आपको जाना होगा ऑप्शन पे। ऑप्शन पे आपको गोल सीक नहीं, सोल्वर बोलते, माफ कीजिएगा, एड इन्स के अंदर। एक्सेल एडिंग्स में सोल्वर है, फॉर्म एडिंग्स में हाँ सोल्वर है ना एक्सेल एडिंग्स में, एंड थोड़ा सा हैंग होगा, टाइम लेगा, और आपके मेनू बार में सोल्वर का नया ऑप्शन रख देगा सर, यहीं पर रखेगा, हाँ यहीं रख दिया। अब चलिए सोल्वर का इस्तेमाल कर, सोल्वर सेट ऑब्जेक्टिव हमारा ए रहा, टू मैक्सिमम नहीं, मुझे एक वैल्यू चाहिए, क्या वैल्यू चाहिए, तो 2,00,000, दाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,00,000 किसमें चेंज करना है, हमने बोला ए रेफरेंस के अंदर चेंज करना है, एड हमने अब हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला कि इज इंट, कंडीशंस होता है कि इंटीजर रहेगा, है ना, ओके। तो अब इसको ओके सॉल्व कर दिया, हेलो समझ आया कुछ, हेलो। अब इसको सिनेरियो में ले जाइए, सिनेरियो में ले जाकर नाम दे दीजिए सॉल्व, हेलो। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब यहां पे वाटर मैनेजर में हमने सिनेरियो मैनेजर पे एक मैसेज फोन किया, हेलो अब यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर जो मैंने सेव किया था वहां आते हैं, सॉल्व है, हमने इसको बोल दिया समरी, किस पे हमने बोला यहाँ पे
इसके अकॉर्ड रिजल्ट से लेना हम आपको ये राशन लिए। तो एक सिनेरियो बता दिया इसलिए इस्तेमाल किया जाता है सिनेरियो। तो सॉल्वर समझ में आया कि दोबारा समझाओ। देखिए यहाँ पे क्या क्या है सॉल्वर समझिए। एक तो आपका एक सेट होता है कि ये होना चाहिए, एक होता है कि इससे छोटा 2 लाख से कम ही आना चाहिए अमाउंट, इधर वैल्यू 2 लाख एग्जैक्ट होना चाहिए। पहले समझिए यहाँ पे वैल्यू गोल को कि आपको तो चेंज करके रिजल्ट क्या करना है। मुझे रिजल्ट यहाँ पे टोटल चाहिए 2 लाख चाहिए, या फिर 2 लाख से कम चाहिए, या 2 लाख से ज्यादा चाहिए। किस में चेंज करना है तो इसकी क्वांटिटी चेंज होगा तो इससे कनेक्टेड है एमआरपी, एमआरपी चेंज होगा तो हमारा टोटल चेंज होगा। तो ये हमारा यहाँ पे आपको कनेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद ऐड पे यहाँ पे होता है सेट द कंस्टेंट, मतलब कि आपको क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि भाई हमारी वैल्यू डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने प्रोडक्ट लिया है अब उसको आधा नहीं ले सकते। हमने एक जीन्स लिया है, आप जीन्स को फाड़ के आधा नहीं ले सकते। इसलिए ये हमारा रिजल्ट जो है क्वांटिटी जो है ये क्वांटिटी हमारा होना चाहिए इंटीजर में। अब दूसरी क्वांटिटी अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन भी दे सकते हो कि आपकी जो क्वांटिटी है एक क्वांटिटी होना चाहिए ग्रेटर देन या इक्वल टू या लेस देन। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पे एक अमाउंट इसको हमने हटा, हाँ हमने बोला कि हमारा जो एमआरपी है ये एमआरपी 2000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू 2000 कर देंगे। हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 2000 कर देगा, लेकिन हमारी इसको 2000 से ऊपर नहीं जाने देगा। तो सॉल्वर का काम यही होता है। सॉल्वर समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो जी सर। चलिए सॉल्वर के बाद अगला टॉपिक हमारा आता है, अगला टॉपिक आता है इसमें फोरकास्ट का। अब फोरकास्ट आपके सिस्टम पे नहीं होगा तो वही जहां से मैंने ये लाया है वाटर फाइनेंस से लाया, वहीं से आप फोरकास्ट भी ला सकते हैं। ठीक है, सोलबर लाया है वहां से। अब फोरकास्ट क्या होता है तो मैंने यहाँ पे बोला कि मंथ, पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। एक काम करता हूं ना, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, एक साल का हम लाते हैं और यहाँ पे हम इनकम कर रहे हैं। और इनकम में हम यहाँ पे 1000 से लेके 1000 से लेके मैं 5000 दे देता हूँ। ये हमारे इनकम के स्लॉट है नौवे महीने का। अब मैं, मेरे पास डेटा है कि मैं 9 महीने तक इतना रुपए का इनकम किया। अब मुझे इसकी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे दसवां, ग्यारहवां और बारहवां का फोरकास्ट चाहिए। समझ में आया सर? तो फोरकास्ट अपनी अंदर अपने एल्गोरिथम को यूज करेगा। और अब जैसे क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा ना, एक नई सीट ऐड करेगी, उसमें आपका ये फोरकास्ट आ जाता है। चार्ट के साथ भी दे रहा है। तो ये आपका एक्चुअल सेल है। अब यहाँ पे फोरकास्ट इनकम ये बता रहा है कि 1867, 436, 1275 और ये आपको तेरवा महीना आपका माइनस भी जा सकता है क्योंकि आपका गिर घट बढ़ रहा है। और लोअर सबसे कम इनकम आपका ये होगा और सबसे हायर इनकम आपका इतना हो सकता है 12-13 महीने। ठीक है सर, ये फोरकास्ट का काम करता है। तो हमने डेटा में लोअर के सभी चीज को कर लिया। अब बात करते हैं रिव्यू में। रिव्यू में कोई खास नहीं है, ये स्पेल चेक वगैरह है, ये आपका ट्रांसलेटर है। कोई चीज को ट्रांसलेट करना चाहते हो तो अब यहाँ पे खोल के दे देगा ट्रांसलेटर किसी अलग लैंग्वेज में।
या किसी वर्ड को देखना चाहते हो तो दिखाता है। कमेंट वगैरह तो आपने पढ़ा ही है, प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें कोई खास नहीं होता। जैसे ट्रांसलेटर में मुझे ऑटो डिटेक्ट, मुझे इसको हिंदी कर देता हूँ, मुझे इसको आई एम ठीक है, जो भी लिखेंगे ठीक है। और ठीक है तो ऐसे आपको हिंदी में देगा, फिर इस पर क्लिक करोगे आप, इसको यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन भी था जो कि आप इसमें कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं, हिंदी टाइपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को था ना कुछ नाम वगैरह देना था, गीत अब मुझे चाहिए, इस पे एक आता था पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, अब इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, नाम वगैरह हिंदी में करना होता है आता है। हम लोग यूज करते थे जब कुछ बॉन्ड वगैरह बना देते, तो व्यू में आते हैं, व्यू में आपका व्यू सिलेक्टेड है, नॉर्मल पेज ब्रेक पेज लेआउट ये आपका व्यू होता है, व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका ग्रिड लाइन वगैरह हेडिंग वगैरह जो है तो नॉर्मल जो आपका पेज उसमें पेज लेआउट में दिखा था वही था। जूम वगैरह करना चाहते हो तो किसी को जूम कितना परसेंट जूम करना है, इसको जूम आप यहाँ से भी कर सकते हो, जूम के लिए है, जूम सिलेक्शन है, न्यू विंडो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे कुछ देख देख के टाइप करना है तो मैं इस पर न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा तो एक ही फाइल के दो विंडो बन जाएंगे। जैसे कि क्या होता है कि मुझे इस पर क्लिक करना है, यहाँ जाना तो दिक्कत होती है, तो हम लोग अल्ट एंटर का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट टाइप का दो विंडो बना देते हैं, या फिर दोनों को आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं दोनों विंडो पर टाइप करके, तो दोनों विंडो आपके साथ में सारा अरेंज हो जाए, तो किसी पर से कुछ देख कर लिखना है तो देख कर लिख सकते, किसी फाइल को बंद करना है तो आप बंद कर दीजिए यहाँ से, उसका जगह यहाँ जाएगा इसको आप बड़ा कर लीजिए यहाँ से, तो दो विंडो को आप इस तरह से एक ही स्क्रीन पे सेट कर सकते हो, दो अलग अलग फाइलों पे एक ही साथ काम कर सकते हो। मैं इसको बड़ा करता हूँ तो फिर बड़ा हो जाएगा। फ्रीज पेंस, फ्रीज पेंस होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई डेटा है, बस इसी को मैं एक बार ये कर देता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको अब इसमें से मैं नीचे कर रहा हूँ तो पता नहीं चला कि मैं ही क्या है, तो मुझे हेडिंग फ्रीज करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ व्यू में हम फ्रीज पेंस कर देंगे तो फ्रीज। आप बंद सिस्टम नहीं हिल रहा है, ये सारी चीजें हैं इसका यूज कर सकते हैं। मैक्रो तो आपको आएगा, तो मैक्रो का पार्ट हो गया अलग है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगला टॉपिक है हमारा वो है चार्ट्स का, चार्ट्स करें माफ कीजिएगा, हम बात करेंगे अगला टॉपिक एरे फॉर्मूला के, राइट सर। तो अगला टॉपिक हमारा एरे फॉर्मूला और एडवांस फॉर्मूला, दो टॉपिक एक्सेल में रह गया हमारा, एरे फॉर्मूला एंड डायनेमिक चार्ट्स। तो हम बात करेंगे अगली क्लासेस में एरे फॉर्मूला, तब तक आप लोग बाकी चीजें और भी छुट्टी हुई चीजों को एक बार देख लीजिए, जो जरूरत होगा मुझसे पूछ लीजिए। ओके बाय।